and when you are not playing, you maintain my fitness. I think you need to be fit throughout. I mean, you never know when you are going to play. Keep supporting, giving our best. दोस्तों एक बार फिर संजू सैमसन के साथ हुई बड़ी नाइंसाफी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, जिसमें संजू सैमसन को शामिल तो किया गया है लेकिन सिर्फ बैकअप प्लेयर के तौर पर। तो वहीं सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को मेन टीम में शामिल किया गया है, जबकि तिलक वर्मा ने तो अभी तक एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला है। तो वहीं सूर्या का भी रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में संजू के साथ नाइंसाफी हुई है क्योंकि उनका ओडीआई में रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे दोस्तों संजू सैमसन को एशिया कप में मेन टीम में जगह मिलनी चाहिए थी या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।